यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के बुधवार की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सदस्यों के वालों का जवाब दे रहे हैं और किसानों से जुड़े मुद्दे सहित अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार इस सत्र के शुरू होने के बाद से हमेशा बाढ़ और सूखे पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे भाग रही थी। अब इस चर्चा को स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार मौसम फसलों के लिए अनुकूल नहीं था। कम से कम 36 गांव सूखे और पश्चिमी यूपी के जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने बाढ़ का सामना करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बीजेपी की सरकार आई है, सभी अपराधों पर हमने कंट्रोल किया है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से ध्वस्त, उनके नेटवर्क को हमने किया है। और जो आपसी वैमनस्य में अपराध हो रहे हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने प्राथमिकता रखी है कि महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध है उनमें हम शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएं। हमने 6 महीने के अंदर भी कड़ी सजा, जैसे फांसी भी कई मामलों में हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है, और हम डे टू डे मॉनिटरिंग ऐसे सभी मामलों में करते हैं।